हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपके पास प्रोडक्ट लेकर आई हूँ उसका नाम है कलर बार का प्राइमर ये रहा एंड ये जो है ये कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है एंड आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे प्राइमर के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे मैं आपको इसका डेमो करके बताऊंगी एंड इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकिन को भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो गाइस अब मैं आपको इस प्रोडक्ट को क्लोजअप से पहले दिखाती हूँ फिर इसके बारे में बात करेंगे देखिए ये है कलर बार का प्राइमर इस पर लिखा है फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर ये एक थर्टी एम का प्रोडक्ट है गाइस कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है पैराबिन फ्री है लाइट वेट है एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल्सो इट इज़ क्रुअलिटी फ्री इस पर इसका एम लिखा है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ का एंड आई गेस ये मैंने थोड़े से डिस्काउंट पर ही खरीदा था नॉट एग्जैक्टली श्योर एंड गैस जिसमें लिखा है जूरियस फेस प्राइमर दैट क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल कैनवस फॉर योर मेकअप इट ब्रेप्स योर स्किन एंड ब्लर्स द इन परफेक्शन एज द फर्स्ट स्टेप इन योर मेकअप रूटीन यूज़ इट अलोन फॉर अ नेचुरल लुक और लेर इट विद अ फाउंडेशन फॉर फ्लॉलेस लुकिंग स्किन Infused with silicon and glycerin, this fast-absorbing formula melts into your skin and gives it a silky, smooth feel. It is recommended for all the skin types for instant luminosity and sensational velvety finish. इसका जो net weight है वो 30 ml का है. तो guys, तो guys अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ. So guys देखिए ये पास से इस तरीके से वाइट कर रही. दिखता है वाइट कलर की पैकेजिंग में आता है ये इसकी वाइट कलर की ट्यूब है एंड ये मैंने आपको भी पढ़ के ही बताया इस कवर पे जो लिखा था एंड ये थर्टी एम का ही प्रोडक्ट है एंड मैं आप साथ में आपको प्राइमर लगा के दिखाऊंगी अगर प्राइमर लगाना है तो उससे पहले अपने फेस की या हाथ की क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर सी टी एम रूटीन ज़रूर फॉलो करना है गाइस उसके बाद ही आप प्राइमर लगाएं या फिर मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट लगाएं क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस नजर आएंगे तो अब मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल के दिखाती हूं देखिए इस ये कितना ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है ये अब अगर मैं अपने हाथ पे ग्लाइड करूंगी तो ये जितने जितने छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं ये सब इनविजिबल हो जाएंगे या फेड आउट हो जाएंगे स्किन भी ब्लर स्किन पर एक ब्लरीनेस सी आ जाएगी एकदम स्मूथ फिनिश आ जाएगी मेरे हाथ पे ये देखिए गाइस आप इस हाथ को और इस हाथ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसपे कितनी स्मूथ फिनिश आ गई है इस पे कि, इसपे कितनी लाइंस नजर आ रही हैं और इस पे मैंने जो प्राइमर लगाया है ये एकदम स्मूथ नजर आ रहा है इसके सारे पोल्स एंड लाइंस फेड आउट हो गए हैं ब्लर हो गए हैं अब जब मैं इस पे फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से ग्लाइड करेगा लॉन्ग लास्टिंग होगा और पिगमेंट भी लॉन्ग लास्टिंग तक काफ़ी देर तक बरकरार रहेगा तो गाइज ये देखिए फ़र्क तो अब मैं आपको उसको अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ आपको इसको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना है एक मटर के दाने के जितना आपको इसको लेना है जितना मैंने लिया है देखिए मटर के दाने के जितना ही आपको इसको लेना है और अपने फेस पे इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है बहुत ज्यादा नहीं मसाज करनी है सो गाइज देखिए लगाने के बाद ये बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि मैंने प्राइमर लगाया है क्योंकि बिल्कुल इनविजिबल प्राइमर है इसमें कोई टेंट नहीं है एंड इतना ज़्यादा स्मूद और सिल्की सा है कि आपके फिंगर में भी सिल्कीनेस आपको फ़ील होने लग जाएगी एंड ये लगाने के बाद जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन आराम से ग्लाइड करेगा उसमें रफनेस नहीं आएगी कोई पैचिनेस नहीं होगी इसने मेरे पोर्स भी मिनिमाइज़ कर दिए हैं रिंकल्स हैं नहीं एंड जो एक फेस पे एक इनिशियल ग्लो होता है वो भी ये लेकर आता है एंड फिलहाल लगाने से भी आया है तो अब आप इसके ऊपर अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो आराम से रहेगी लॉन्ग बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो फाउंडेशन रहेगी एंड उसका जो जो पिगमेंट होगा वो भी काफ़ी देर तक बना रहेगा ऑक्सीडाइज भी बहुत देर बाद होगा तो आप हमेशा इसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ कि जब भी आप फाउंडेशन लगाएं उससे पहले प्राइमर अपनी स्किन पे हमेशा लगाएं प्राइमर से भी पहले आपको अपनी स्किन पे क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन ज़रूर लगाना है मैं अपने फेस को सी टी एम कर कर आई थी एंड इसके बाद ही मैंने प्राइमर लगाया है तभी प्राइमर भी मेरे फेस पर आराम से ग्लाइड हो पाया है एंड इसके बाद ही आपको फाउंडेशन लगानी है तो गाइज़ देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट प्राइमर है एंड प्राइमर के बेनिफिट्स यही होते हैं कि वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है रिंकल्स को मिनिमाइज कर देता है आपके फाउंडेशन को मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है पिगमेंट को बनाए रखता है ये सारे ही स्किन टाइप पे सूट करता है ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है ऐसा इस पर लिखा भी हुआ है एंड इसको लगाने से एक वेलवेटी फिनिश आपको अपने फेस पे फील होगी एंड uh, uh, तो मुझको तो ये प्रोडक्ट बहुत वर्द लगता है मैं जब भी मेकअप करती तो उससे पहले इसको ज़रूर लगाती हूँ और मैं इसके अलावा और कोई भी प्राइमर मुझे आज अच्छा तक पसंद ही नहीं आया है ये इतना अच्छा प्राइमर है एंड हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर पड़ता है लेकिन इतनी सी क्वान्टिटी लगती है तो ये प्राइवर काफ़ी टाइम तक चलेगा आपको ऑलमोस्ट ये नाइन uh, अगर आप रेगुलर मेकअप करते हैं तो आपका ये छः महीने में ख़त्म हो जाएगा और अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो ये आपको मोर देन वन ईयर भी चलेगा क्योंकि ये इतना सा साइज़ लगता है आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं आप रेगुलर कहीं जा रहे हैं घर पे भी बैठे हैं तो आप अपना सी करने के बाद भी सिर्फ इसको लगा के रोज इसको लगा सकते हैं इसे इसको लगाने से क्या होगा आपका जो फेस है इसमें एक स्मूदनेस आ जाएगी सूद लगेगा आपका फेस अगर आपके फेस पे कुछ निशान है या एक ऑयलीनेस आ रही है आप वो सब आप ये वो सब ये प्राइमर उसको कवर अप कर देगा क्योंकि इनविजिबल है तो ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता लगाते हुए एंड जो आपके पोर्स यहाँ पे किसी किसी के गाल पे बहुत सारे पोर्स होते हैं छोटे 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 पोर्स वो दिखाई देते हैं वो ये इन सब को ब्लर कर देगा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे ये लगाने के बाद और बहुत ज़्यादा फेड हो जाएंगे तो अगर आप मेकअप भी नहीं करना चाहते बट चाहते हैं कि आपके पोर्स श्रिंक मिनिमाइज़ हो जाए दिखे नहीं आपकी ऑयलीनेस या आपको कोई भी ऐसा आपका एक्ने स्पॉट है जो आप चाहते हैं कि फेडेड आउट दिखे तो आप इसको लगाइए और मेकअप भी नहीं करिए आप आराम से अपना पूरा दिन इसके साथ बिता सकती हैं और आपका फेस एकदम टिप टॉप लगेगा तो गाइज मैं तो आपको इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा वर्द है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ता है लेकिन ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके लिए पैसे देना इतना नहीं चुपता है तो ये जो है uh, कलर बार का फेशियल uh, प्राइमर मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ आप इसको एक बार जरूर ख़रीद के देखिएगा एंड गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो आ, मैं मिलती तो हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय